Hi there. So we have this Clef cutie with us. So they're from, yeah, she's really active and she wants to talk to me and she's just 89 days old. Yeah? Yes? बहुत हंस रही है. क्या हो गया? हाँ, बात करने के लिए ट्राई कर रही है अभी. कुछ बोलना है उसको. घर में बात करते हैं, बहुत बात करते हैं. हाँ, already 3 months में. बहुत स्मार्ट है. सो वी प्लानिंग टू डू लेफ्ट साइडेड कंप्लीट लिप रिपेयर लेटर इन द इवनिंग. यस, शाम को सर्जरी का प्लान है. तो पहले स्टेज में लिप और नोज दोनों ही ठीक करेंगे. फिर जब बेबी का एज 9.5 months, 9 months, 10 months, ये मंथ में पैलेट का सर्जरी भी होगा. अभी थोड़ा रेस्टलेस हो रही है, काफ़ी टाइम एक ही इस पे बैठे बैठे. एक्चुअली कल मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट किया था ट्रेनिंग. अरे लेकिन कन्नूर से इतना दूर थोड़ी ना. नहीं सर, एक्चुअली ओमल से, मेरा गांव से आया था. हां, आंध्रा से. चेन्नई, फिर चेन्नई से. ओ, आंध्रा से आना मुश्किल है. एक्चुअली कनेक्टिविटी नहीं है. फिर आपने कन्नूर एड्रेस क्यों दिया यहां पे? एक्चुअली हम लोग वहां वर्क कर रहा था. वहां स्टे कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है. एक्चुअली लोग तो मेरे घर पे ही है अभी. मैं वहां से कन्नूर से, एक्चुअली मेरा लीव भी नहीं दे रहा था, तो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था, तभी मैं उसको फॉरवर्ड किया, तभी मुझे लीव मिला. इसके लिए लीव देना है? क्या बात कर रहे हो. एक्चुअली वो तो शॉर्टेज है. हां, और इलेक्शन का भी चल रहा है ना. ओके 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 बेबी, यू कैन गो. टाटा, बाय बाय. ले देख रही है अंदर, पता है कुछ हो रहा है यहाँ पे. अभी वो है ना, कैमरा है वो, मोबाइल भी देखती रहती है, वीडियो का मोबाइल. और जैसे मैंने बताया, तो पहले ऑपरेशन के बाद पहला रात को आईसीयू में रहना पड़ेगा, दैट इज़ आज रात को. उसके बाद कल या रूम जाएंगे. फिर आपको 2 दिन के बाद निकल सकते हो, और 5th डे शाम को पूरा क्लीन करेंगे, और 6th डे आप जा सकते हैं यहाँ से. यस, इसका तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. नहीं होगा, ज़्यादा रोती रहती है. कुछ नहीं होता, कुछ भी करेगा कुछ नहीं होता. गम्स का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा. एडजस्टमेंट हो जाएगा. गम्स का अपने आप ऑटोमेटिक होता है. जब लिप्स करेक्ट हो जाता है, मसल्स अपने आप गम्स बैठेगा आपको 6 months, 1 year के अंदर अंदर. एक तरफ ही जैसे थोड़ा सा. हाँ, वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. शाम को हम यहीं स्टे करेंगे. हाँ, अभी यहाँ पे आपको रेडी करेंगे, एक एक करके ब्लड टेस्ट करेंगे, और फिर इसको 4 hours पहले कुछ देना नहीं है. तो 2 o'clock आप बंद करो देना इनको. अभी 12:30 हो गया है. 2 o'clock स्टॉप करो. Yeah, then you will cry. All right, so we're planning repair for this cutie in the evening, and it's going to be a muscle-based repair as usual that I like to do, making sure the scar is going to be as minimally visible as possible, mostly inconspicuous, because that's going to be placed on the philtral ridge on the left side of the philtrum. Yeah. Okay, thank you.